भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन आज जब वो लाइव आए देर रात तो ऐसा लगा कि मानो उनके जीवन में जिस चीज़ की कमी है अब उनके चेहरे पे साफ झलकता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, जो पवन सिंह के हार्डकोर फैन हैं वो सभी जानते हैं कि पवन की लाइफ में किस चीज़ की कमी है। पवन शादीशुदा भले ही हैं, उनकी शादी को लगभग 3 साल होने आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी औलाद नहीं है। और इसी बात का जिक्र करते हुए पवन सिंह ने ये कहा कि उनके पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो पवन के बेटे को अपने गोदी में खिलाएं, लेकिन वो बहुत ही बदनसीब है कि अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरी न कर सके। आप खुद सुनिए पवन सिंह ने ये जो सारी बातें कही हैं। अभागशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तब हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रहे। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब चाहे जैसे हो के। लेकिन पवन सिंह ने एक हिंट यहाँ ज़रूर दे दिया है कि माँ की वो ये आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करके रहेंगे, और इतना सुनना ही था कि उनकी माँ के आँखों से आंसू बह निकले। माँ के आँखों में आंसू देख पवन सिंह से भी रहा नहीं गया। पवन सिंह ने यहाँ ये कहा कि माँ तू अगर रोएगी तो कैसे चलेगा, मेरा साथ दे, देख मैं हर एक किले को फतेह कर दूँगा। तो आप भी सुनिए कि क्या कहा पवन सिंह ने और क्या राय रखते हैं आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।